आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शहडोल पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंधे हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के मामले में सगे पिता, सौतेली माँ, सौतेले भाई को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक दिन पहले एक युवक की सुहागपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में सड़क के किनारे झाड़ियों में शव मिला था, जिस पर पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामले की पड़ताल में जुट गई थी। पड़ताल में यह बात सामने आई है कि मृतक अपने सौतेले भाई व सौतेली माँ के साथ शराब के नशे में मारपीट करता था, जिससे छुबत सौतेले भाई ने माँ और पिता की मौजूदगी में बड़े भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सौतेला भाई, सौतेली माँ व पिता मिलकर शव को ठिकाने लगाया था, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर सड़क के किनारे झाड़ियों में वहीं के रहने वाले सच्चिदानंद पटेल की 30 सितंबर यानी कल शव मिला था, जिसके सर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मामले की पड़ताल में जुट गई और 12 घंटे के अंदर इस अंधी हत्या का खुलासा करते हुए इस हत्या के मुख्य आरोपी, मृतक के सौतेले नाबालिग भाई समेत सौतेली माँ व पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक सच्चिदानंद पटेल शराब का आदी था और आए दिन अपने सौतेली माँ व सौतेले छोटे भाई के साथ मारपीट किया करता था, जिसको लेकर भाई नाराज रहता था। 28 सितंबर को मृतक सच्चिदानंद अपने भाई को बेवजह मारपीट किया, बच बचाव करने आई माँ के साथ भी मारपीट किया, जिससे दोनों लहूलुहान हो गए, जिससे नाराज छोटे भाई ने बड़े भाई को सोते समय सर पर हथौड़ा से मार दिया और गुप्तांग ने भी वार किया, जिससे सच्चिदानंद की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा घर खून से लथपथ हो गया, जिसके बाद पिता, पुत्र व माँ मिलकर घर की सफाई किया और रात होने के इंतजार करते हुए रात होते ही पिता व हत्यारे पुत्र सच्चिदानंद के शव को साइकिल पर रखकर गांव के एकांत जगह झाड़ियों में फेंक दिया था, जिससे किसी को शक न हो। दूसरे दिन सुबह पुलिस ने शव बरामद कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। हत्या के मामले में सगे पिता, सौतेली माँ व हत्यारे भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ग्राम कंचनपुर, थाना सुहागपुर, जिला शहडोल, ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है, जिसमें घर में ही अंतर कलह की वजह से एक युवक की मृत्यु होती है, मर्डर होता है, हत्या होती है उसकी। और ये हत्या जो कारित की है, इस हत्या में जो आरोपी बने हैं वो उसका सौतेला भाई, उसके पिता और उसकी सौतेली माँ। ये हत्या और उसके हत्या से संबंधित जो उन्होंने उपकरण इस्तेमाल किए उसको छिपाने, विलोपित करने के आरोप में, वो भी इसमें आरोप है। इस घटना में जो मृतक है, उस मृतक की शोहरत ये थी कि वो सौतेला होने की वजह से घर में शराब पीकर उपद्रव मचाता था और इसी बात को लेकर उसमें और उसके सौतेले भाई में, जो कि माइनर है, नाबालिग, झगड़ा हुआ। माताजी ने बीच बचाव किया तो उनको भी धक्का मुक्की में, उनके भी सिर में चोट आई। तो इस चीज को देखकर जो सौतेला भाई नाबालिग था, उसने मौका देखकर रात में ही हथौड़े से और भी चीजों से अपने जो सौतेला बड़ा भाई है उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर उस लाश को उन्होंने घर में ही छिपा के रखा और मौका देकर अगले दिन उन्होंने उसको पास में ही झाड़ियों में लाकर छिपा दिया। और फिर जब कुछ पब्लिक को नहीं पता चला तो उन्होंने फिर उन सौतेले भाई, जो मृतक का सौतेला भाई माइनर था, उसने उसको बाहर की तरफ निकाल दिया, जिससे पब्लिक को पता चल जाए। पब्लिक को पता चला, थाने में सूचना आई और थाने में जो शेड्यूल के पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वो, और जो CSP मैडम है वो, और जो थाना प्रभारी परिहार हैं वो, उनकी टीम पूरी वहां पहुंची और उन्होंने पूरी चीज को समझा बारीकी से और सभी चीजों को समझकर उन्होंने आगे की विवेचना की। तो पता चला उनको यही कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अनैचुरल है, इसकी हत्या हुई है और उस हत्या से संबंधित जो जितने भी उपकरण थे उनको भी उन्होंने खोज निकाला और इसमें फिर मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा का इसमें विवेचना जारी है और जो इसमें माताजी हैं, उनके हस्बैंड हैं और जो उनका बेटा है, वो सब पुलिस की गिरफ्त में है और विवेचना इसमें जारी है। और इस तरह की व्यवस्था गांव में यदि होती है तो अपेक्षा की जाती है कि वहां के जो लोग हैं, जो और जो स्थानीय पुलिस है, उनको चाहिए कि गांव विजिट करें और वहां पर यदि ऐसी व्यवस्था है तो उनको सुलझाने का प्रयास लोकल स्तर पर किया जाए, तो ऐसी घटनाएं टल सकती हैं।
खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।